गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8. वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.3 इन दिस लेक्चर. इन द प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वी हैव डन द एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2. सो इन दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी एंड देर आर टू ऑप्शन. फर्स्ट वी हैव सिंप्लीफाई द इक्वेशन. हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. देन वी ऑल्सो चेक द वैल्यू. हम उसकी वैल्यू भी चेक करेंगे. क्या जो हमने वैल्यू फाइंड की है एक्स की वैल्यू वो राइट है या रॉन्ग है. तो यहाँ पे दो गिवन है. मैंने पूरी स्टेटमेंट राइट नहीं की है. यू विल राइट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. सॉल्व एंड चेक. तो दिस इज गिवन इक्वेशन. ये आपको इक्वेशन गिवन है और आपको चेक करके बताना है कि जो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे क्या वो राइट है या रॉन्ग है. तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द इक्वेशन. यू नो दैट द रूल ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन. क्योंकि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. नाउ फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. आप इस राइट हैंड साइड में से 2x है, आपको लाइक टर्म एक साइड करनी है. तो ये आपका 2x है, ये 3x है. तो आप इसको इधर ले आओ. 3x इधर पॉजिटिव है. अगर लेफ्ट साइड आएगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ रिमेनिंग वैल्यू बची आपकी 18. अब 3x में से 2x गया. यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. x की जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी. दिस इज़ योर आंसर. अब हमें चेक करना है ना हाउ टू चेक द वैल्यू. वैल्यू कैसे चेक करनी है. जो गिवन इक्वेशन है देखो, दिस इज़ 3x एंड दिस इज़ इक्वल टू 2x प्लस 18. यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है x, हमें देखो जब भी चेक करोगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होना चाहिए क्या राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, 3x. और x की जो वैल्यू है, वेयर एज x इज़ इक्वल टू 18, और x की वैल्यू अगर हम 18 करें तो जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी आपकी 54. अब अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ, वट इज़ द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x प्लस 18. तो 2x, वट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 18 और प्लस 18. तो 18 टू ज 36 प्लस 18, दिस इज ऑल्सो 54. तो बोथ द साइड आर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो आप राइट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये चेक हो जाता है, वेरीफाई हो जाती है आपकी वैल्यू. जो आपने वैल्यू फाइंड किया वो राइट है. तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. देयर इज़ गिवन 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. सेम मेथड वी फॉलो हियर. 5t इज गिवन, दिस इज 3t, बोथ आर लाइक टर्म. तो आप यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ये माइनस 3t हो गया, ये माइनस 5 है, माइनस 3 है, उधर आके प्लस 3 हो जाएगा. दिस इज़ द रूल, यू नो वेरी वेल कि ये बैरियर है अपना. और ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव. लाइक टर्म है, 5t में से 3t जाएगा तो वैल्यू आएगी आपकी 2t. यहाँ माइनस के 5 हैं, प्लस के 3 हैं, माइनस के 2. तो वट इज़ द वैल्यू ऑफ टी. टी की जो वैल्यू है वो माइनस 2/2. तो जो वैल्यू आई वो आपकी माइनस वन आई. अब आपको चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है. सेम प्रोसेस वी विल फॉलो. देर इज़ गिवन 5t माइनस 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और हमें किसके इक्वल दिखाना है, 3t माइनस 5. पुट द वैल्यू ऑफ टी. टी इज इक्वल टू माइनस 1. तो फर्स्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड गिवन आपको 5t माइनस 3. तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3. जो आंसर है वो माइनस 8. एंड कम टू द राइट हैंड साइड. इन राइट हैंड साइड गिवन दैट 3t माइनस 5, दिस इज 3, वैल्यू ऑफ टी इज माइनस 1 माइनस 5. द आंसर इज माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3 माइनस 5. तो ये भी क्या आया आपका माइनस 8. तो वेरीफाइड. तो हाउ टू चेक, ये आपकी चेकिंग भी हो गई और आपने वैल्यू भी फाइंड कर ली. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. डू योर सेल्फ, क्योंकि बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन. 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी कर दिया है. देन यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट ए एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस 1 गिवन है ब्रैकेट में. तो फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट, देन ओपन इट. दिस इज गिवन 8x प्लस 4. अगर हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, देयर इज गिवन प्लस प्लस, फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइन, देन मल्टीप्लाई विद वेरिएबल.
तो साइन पॉजिटिव 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 आएगा आपका, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, प्लस माइनस माइनस आएगा, और 3 को 1 के साथ करोगे तो 3 आएगा 7। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक मिस्टेक हियर, क्योंकि वो 3 को x के साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं, दे फॉरगेट अबाउट मल्टीप्लाई विद 1, बिकॉज ब्रैकेट इज गिवन। अगर आपको 1 के साथ नहीं करना था तो डोंट गिव द ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट नहीं होती, तो प्लस प्लीज़ डोंट डू दिस, ये मत करना। 3 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना, देन 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दिस इज इक्वल टू 8x प्लस 4 3x माइनस 3 प्लस 7, ये आपका 4 हो गया, आपने ये सॉल्व कर लिया। हेयर इज लाइक टर्म, 8x एंड 3x बोथ आर लाइक टर्म, ये आपकी राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, तो ये माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 4 है, ये प्लस 4 इधर है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू आई वो 5x आई, बट यहाँ जो वैल्यू आई है ये 0 आई। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? देखो 0 को यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड होगा, तो जो x की वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है? 0 आई है। अब आपको चेक करना है इसको, देन चेकिंग के लिए गिवन है आपको 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 x माइनस 1 प्लस 7, और यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है आपकी? 0 है। फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड 8x प्लस 4 इज गिवन 8x इज 0 प्लस 4। देखो 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 4 तो आंसर 4 आएगा। अगर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, तो 3 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 0 माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ जो वैल्यू है आपकी 0 और माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आइडेंटिटी है अपनी। प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस 7, 7 में से 3 गया 4, तो बोथ आर राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका चेक हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट वी ओपन द ब्रैकेट, दिस इज़ वेरी लेंथी मैथड, आई विल हेल्प यू। देयर इज़ गिवन 5 डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड में। अगर मैं 5 को यहाँ ले आती हूँ तो ये यहाँ आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो फर्स्ट मैंने एक स्टेप लिया है कि मेरा ईजी हो जाएगा, क्योंकि 4/5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, तो मे बी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एलसीएम लेना पड़ेगा, बट दिस इज़ ईजी मैथड कि यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। वहाँ पर सिर्फ 4 बचा है, x प्लस 10, देन ओपन दिस ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 5x, 4 को x, देखो प्लस 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 होगा, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, प्लस प्लस प्लस, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 40 आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस 10, 4 ऑल्सो मल्टीप्लाई विद 10, दिस इज 5x लाइक टर्म, दिस इज 4x लाइक टर्म, इधर लेके आओ माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू 40, 5x में से 4x गया, वैल्यू आपकी x की आ गई 40, तो इजीली हमने सॉल्व कर ली वैल्यू। वी विल चेक द वैल्यू, x इज गिवन 4/5 x प्लस 10, डोंट चेंज हियर, यहाँ कुछ नहीं चेंज करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड ही रहती है, जो राइट हैंड साइड गिवन है वो राइट हैंड ही रहती है, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड आपकी x गिवन है, और जो x की वैल्यू है वो अपनी 40 गिवन है, तो सीधा लेफ्ट हैंड साइड आपकी 40 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10 है, तो 4/5 x की वैल्यू आपकी 40 है, 40 प्लस 10, ओपन द ब्रैकेट, 40 प्लस 10 आपका 50, अगर आप इसको कट करोगे तो 10 आएगा, और 10 4 जा आपकी वैल्यू हो गई 40, तो आप चेक भी कर रहे हो आपके आंसर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट 2x/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3। देखो सेम जो x की टर्म है वो एक साइड कर लो, और जो रिमेनिंग टर्म है उनको अगेन दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? 2x/3 गिवन है, ये पॉजिटिव 7x/15 है, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 7x/15, ये 3 है, ये प्लस 1 है, यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। नाउ वी विल टेक एलसीएम, क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन में हैं, तो व्हाट इज़ द एलसीएम? एलसीएम इज़ 15, ये आएगा आपका 10x और ये आएगा आपका 7x, और 3 में से 1 गया, वैल्यू हो गई 2/1, 10x में से 7 गया, 3x/15 इज इक्वल टू 2/1, देखो 15 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, और 15 टू जा क्या होता है? 30, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है,
यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो जो x की वैल्यू है वो क्या आई आपकी 10. दिस इज़ वैल्यू ऑफ x. नाउ वी विल चेक द वैल्यू. x क्या गिवन है आपको, 10 गिवन है, और जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, 2x बाय 3 प्लस 1 एंड 7x बाय 15 प्लस 3. पहले लेफ्ट हैंड साइड 2x बाय 3 प्लस 1, देखो अगर x की वैल्यू 10 पुट करते हो तो 2 इंटू 10 बाय 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 20 बाय 3 प्लस 1. टेक एलसीएम, एलसीएम 3 है, 20 प्लस देखो 3 बन जा 3, द आंसर इज 23 बाय 3. अब आप राइट हैंड साइड लो, व्हाट इज़ द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज 7x बाय 15 प्लस 3. पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करोगे तो ये 70 हो जाएगा, 70 बाय 15 प्लस 3. आप चाहो तो एलसीएम ले लो, वैसे आप कट भी कर सकते हो इसको 15 से, नहीं तो अगर अदरवाइज आप एलसीएम ले लो, 15 आपका एलसीएम आएगा. दिस इज 70 एंड दिस इज योर 45. इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 115 बाय 15. अब आप ये 3 से कट रहे हैं, ये 5 से, 5 3 जा 15 और ये हो गया आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो वैल्यू इज 23 बाय 3. तो बोथ आर सेम, तो वेरीफाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 2y इज गिवन, हेयर इज माइनस y गिवन. तो फर्स्ट हमें लाइक टर्म साइड में लानी है, तो 2y, ये माइनस y है, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस y हो जाएगा. देयर इज गिवन 26 बाय 3, ये प्लस 5 बाय 3 है तो ये माइनस 5 बाय 3 हो जाएगा. न्यूमिरेटर सेम है 2y, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, 2y प्लस y कितना हुआ आपका 3y हुआ. डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3 इज योर एलसीएम. नाउ दिस इज 26 एंड माइनस 5, आंसर इज 21 बाय 3. आप इसे कट करोगे तो वैल्यू 7 आएगी, तो 3y इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू लेंगे तो ये आएगी आपकी 7 बाय 3. तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y. नाउ वी विल चेक हियर, स्पेस थोड़ा कम है बट चेक कर लेंगे. देयर इज गिवन 2y प्लस 5 बाय 3 एंड हेयर इज गिवन 26 बाय 3 माइनस y. लेफ्ट हैंड साइड 2y प्लस 5 बाय 3, y की वैल्यू है 7 बाय 3, तो 2 7 बाय 3 प्लस 5 बाय 3. देखो 7 टू जो 14, 14 बाय 3 प्लस 5 बाय 3, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वही रहेगा 3 और ऊपर सेम आएगा और ये हो जाएगा आपका 19 बाय 3. अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड गिवन है 26 बाय 3 और माइनस वाई. व्हाट इज़ वाई, वाई इज 7 बाय 3. पुट द वैल्यू ऑफ वाई, 7 बाय 3, यू विल टेक एलसीएम, 3 एलसीएम आएगा, 26 माइनस 7 आएगा, 26 माइनस 7 भी क्या होता है 19 बाय 3, इट्स मीन्स वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 बाय 5, तो दीज आर लाइक टर्म. तो फर्स्ट 5m इधर आएगा, 3m ये पॉजिटिव वैल्यू इज गिवन तो ये नेगेटिव हो जाएगा 5m एंड हियर इज माइनस 8 बाय 5. व्हाट इज रिमेनिंग, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5. तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी, देखो ये माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड करेगा माइनस 2, माइनस 2 से माइनस कैंसिल और 2 4 जा 8, तो जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 4 बाय 5. देन हाउ टू चेक, देयर गिवन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 बाय 5, द वैल्यू इज 12 बाय 5. एंड राइट हैंड साइड गिवन दैट 5m माइनस 8 बाय 5, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, m की जो वैल्यू है वो 4 बाय 5 है, माइनस 8 बाय 5 है. आप 5 हो जाए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कट मत करो, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर सेम हो जाएगा, तो आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये आया आपका 5 इज योर एलसीएम एंड 20 माइनस 8 आपका 12 बाय 5. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड. नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 2.3. आई होप यू विल सॉल्व इन फेयर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन. हैव ए गुड डे.